नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है आशा भगवती व्रत कथा। हिमाचल में एक राजा था, उसके दो पुत्रियाँ थीं, उनका नाम गौरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती ने कहा, पिता श्री मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। परंतु गौरा ने कहा, मैं आपका भाग्य खाती हूँ। ये सुनकर राजा ने गौरा का वह एक राज परिवार के जोक से कर दिया तथा पार्वती जी का वह रास्ते में भिखारी रूप धारण किए शिवजी भोलेनाथ जी के साथ कर दिया। शिवजी भोलेनाथ जी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत चले गए। रास्ते में पार्वती जी का जहाँ भी पैर पड़ता था वहाँ दुब घास जल जाती। शिवजी भोलेनाथ जी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती पैर रखती है वहाँ की दुब भस्म हो जाती है। पांडितों ने बताया कि जे अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत उजमन करे तो इसका दोष मिट जाएगा। पांडितों के बताने पर शिवजी भोलेनाथ जी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण करे गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। जय कष्ट देखकर पार्वती जी शिवजी भोलेनाथ जी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है तो मेरी कोख बांध दो। शिवजी भोलेनाथ जी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, नथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि घोड़ी के बच्चा हो रहा था। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती जी ने अपनी कोख बंद करने की होठ पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिवजी भोलेनाथ जी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे की ओर चले। पार्वती जी की बहन गौरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई अपनी पुरानी बात याद आई। राजा ने पार्वती जी से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भगवती का उजमन की कोई तैयारी नहीं है तो मैं बोली कि मेरे उजमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उजमन कर देती हूँ। भाभियाँ बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम शिवजी भोलेनाथ जी से कहो कि वे सभी तैयारी करवा देंगे। पार्वती जी ने शिवजी भोलेनाथ जी से उजमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी भोलेनाथ जी ने पार्वती जी से कहा, ये अंगूठी मुद्रका ले लो, इससे जो भी मांगोगी वे तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रका से उजमन का सामान मांगा। मुद्रका ने तुरंत सभी सामान 900 की पटारी सहित ला दिया। ये सब देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उजमन की तैयारी कर रहे थी, जब जाकर सामान की तैयारी कर सकी हैं और तुमने थोड़ी देर में ही पूरी तैयारी कर ली। सब ने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उजमन किया। शिवजी भोलेनाथ जी ने पार्वती जी से चलने को कहा। तब ससुर जी ने शंकर जी को भोजन करने को कहा। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाई खाने को दी। ये देखकर सब कहने लगे कि पार्वती जी को भिखारी के साथ विवाह किया था, परंतु वे तो अपने भाग्य में राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उस सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर भगवान ने पार्वती से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्जामी हो, आप सब जानते हैं, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, वही सब्जी और पानी पीकर तुम आ रही हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई बात मत नहीं खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो दुब सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष तो मिट गया। और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वहीं रानी कुआं पूजने आ रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? तो शिवजी भोलेनाथ जी बोले कि ये वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी, अब इसके लड़का हुआ है, इसलिए कुआं पूजने आ रही है। पार्वती जी बोली, महाराज, मेरी भी कोख खोल दो। शिवजी भोलेनाथ जी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। इस पर पार्वती जी ने हठ कर ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हठ देखकर शिवजी भोलेनाथ जी ने पार्वती जी
पार्वती के महल से घी बनाई। पार्वती जी ने बहुत सारा नेकचार किए और कुआं पूजा। पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। सब जगह शोर मच जाएगा कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जिसको लेना हो ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। इन स्त्रियों को पार्वती भी थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इन स्त्रियों को पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। इस व्रत व उज्जमन को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। विधि उस दिन गोबर मिट्टी से 8 कोने रसोई के लीपे। आशा भगवती की कहानी सुनकर उन 8 कोनों पर 8 दब 8 रुपए पैसे, 8 रौली के सीटे, 8 मेहंदी के सीटे, 8 काजल की बिंदी के सीटे, 1 सहाली और 1 फाल चढ़ाएं और एक फाल चढ़ाएं। 8वें दिन 8 सवालों का वायना निकाल कर सासू जी के पैर छू कर दें। ये व्रत 8 वर्ष तक करना चाहिए। 9वें वर्ष में उज्जमन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।